मोबाइल वीडियो एडिटिंग चैलेंज पार्ट वन में सभी का स्वागत है। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वीएन एडिटर से, क्योंकि इसको यूज़ करना बहुत ही इजी है और इसका जो लेआउट है सिंपल है। वीएन एडिटर में कोई भी वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्लिक करना है प्लस बटन में और फिर जाना है न्यू प्रोजेक्ट। यहाँ से आप या तो मल्टीपल फ़ोटोज़ ले सकते हो, या फिर वीडियोज़ ले सकते हो, या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन भी ले सकते हो। अभी के प्रोजेक्ट के लिए मैं बस एक सिंपल एक सिंगल वीडियो ले लेता हूँ। और हम लोग इसको इंपोर्ट करने के लिए क्लिक करेंगे ब्लू वाले बटन पे। तो ये हमारा वीएन एडिटर खुल गया। और आज के पार्ट में हम लोग बस कवर करेंगे इसका लेआउट। अगर मैं नीचे से आऊँ तो सबसे पहले आपको नीचे बहुत सारा ऑप्शंस मिलेगा या फिर बटन्स मिलेगा, इसको बोलते हैं टूल्स एरिया। और इन्हीं सब टूल्स का यूज़ करके हम लोग अपने वीडियो को एडिट कर सकते हैं, एनहांस कर सकते हैं, या फिर जो भी चेंजेस करना है वो कर सकते हैं। और अगर आप राइट की तरफ स्क्रॉल करोगे तो आपको बहुत सारे और भी ऑप्शंस मिल जाएंगे। इनका डिटेल्स में अभी हम लोग नहीं जाने वाले, फिर भी मैं बता देता हूँ कि अगर आप कोई भी टूल्स को क्लिक करोगे तो उसके अंदर और भी ऑप्शंस आते हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। तो इसको भी क्लोज करता हूँ। इसके ठीक ऊपर जो एरिया है उसको बोला जाता है टाइमलाइन, जहाँ पर आपको मेरा वीडियो दिख रहा होगा और बहुत सारे छोटे छोटे प्लस प्लस साइन दिख रहे होंगे, ये सारे टाइमलाइन का हिस्सा है। जो सबसे नीचे वाला लाइन है उसको बोला जाता है मेन ट्रैक, जहाँ पर हम लोग अपना वीडियो जिसको एडिट करना है उसको डालते हैं। और उसके ऊपर अगर मेरे को कोई और फोटो, कोई और वीडियो, या फिर टेक्स्ट, या फिर म्यूज़िक ऐड करना है तो हम लोग ऊपर जो टैप टू ऐड लिखा है वहाँ से ऐड कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा इसके ऊपर और जाएंगे तो आपको दो टाइमर दिखेगा। जो ग्रे कलर में है वो रहता है कंप्लीट लेंथ, कि आपका वीडियो का कंप्लीट ड्यूरेशन कितना है, जो 44.63 सेकंड आ रहा है। और जो फर्स्ट वाला आपको वाइट कलर में दिख रहा है वो रहता है करंट पोजीशन, कि अभी मैं जो एडिट कर रहा हूँ कौन सा पोजीशन पे एडिट कर रहा हूँ। मिडिल में तीन बटन है, एक रहता है जंप टू प्रीवियस क्लिप जो भी इनएक्टिव है, और एक रहता है जंप टू नेक्स्ट क्लिप वो भी इनएक्टिव है क्योंकि मेरे पास एक ही क्लिप है। अगर मल्टीपल क्लिप रहता तो ये दोनों ऑप्शन ऑन दिखाते हैं। और मिडिल का है प्ले बटन। जो प्ले बटन है उससे हम लोग अपने वीडियो को प्ले कर सकते हैं या फिर पॉज कर सकते हैं। राइट की तरफ रहता है अंडू बटन। अगर एडिटिंग में मेरे से कोई एक स्टेप गलत हो गया तो मैं उस एक स्टेप को या फिर दो स्टेप को कैंसिल करने के लिए अंडू कर सकता हूँ। अगर मेरे से गलती से अंडू हो गया, उसको फिर से रिटर्न लाना है, तो उसके लिए रहता है रिडू बटन, जिसे वो फिर से रिटर्न हो जाएगा। उसके ऊपर है हमारा प्रीव्यू सेक्शन। जो भी हम लोग एडिटिंग कर रहे हैं वो शो होता है प्रीव्यू एरिया में, जहाँ से हम लोग अपना वीडियो कैसा लगेगा एक्सपोर्ट होने के बाद वो देख पाएंगे। और अगर आपको उसको फुल स्क्रीन में देखना है तो उसके लिए भी एक बटन है राइट की तरफ, जहाँ दो एरो बना हुआ है, उसको क्लिक करते ही आपका प्रीव्यू फुल स्क्रीन में अनलॉक हो जाएगा, जिसको आप रिटर्न छोटा भी कर सकते हैं। अब आखिरी है सबसे ऊपर वाले ऑप्शंस, जिसमें फिर से अगर राइट से स्टार्ट किया जाए तो ब्लू कलर में रहता है एक्सपोर्ट बटन। जब आपका वीडियो पूरा रेडी हो जाए और आपको सेव करना हो अपने मोबाइल में तो उसके लिए एक्सपोर्ट बटन पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे भी और तीन ऑप्शंस रहता है, इसका मीनिंग क्या है इसको भी मैं एक डिटेल में वीडियो बता दूंगा। अभी के लिए अगर आपको कोई भी वीडियो सेव करना है तो आप ये जो रिकमेंडेड सेटिंग है या फिर डिफ़ॉल्ट सेटिंग है उसके साथ जा सकते हो और एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो इसको क्लोज कर देते हैं। अगर आपका प्रोजेक्ट कम्प्लीट नहीं हुआ है अभी एडिटिंग करना और आपको बस इसको सेव करके रखना है एज ए ड्राफ्ट, तो उसके लिए रहता है उसी के पास में सेव बटन। फिर जो मिडिल में ओरिजिनल लिखा हुआ है वो रहता है हमारा फ्रेम रेशियो, कि हम लोग जो वीडियो एडिट कर रहे हैं उसका साइज क्या रहेगा, क्योंकि हर एक प्लेटफॉर्म का अपना अपना रिक्वायरमेंट है साइज का। तो हम लोग यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कि हम लोग किसके लिए वीडियो बना रहे हैं। जैसे अगर आप इंस्टाग्राम का रील्स के लिए वीडियो बना रहे हो तो आपको सिलेक्ट करना रहेगा 9:16। अगर आपको स्क्वायर साइज का वीडियो बनाना है तो उसके लिए लेंगे हम लोग 1:1। यूट्यूब के लिए बना रहे हो तो 16:9। वैसे और भी बहुत सारे वीडियो ऑप्शंस रहते हैं। वीएन एडिटर्स का खुद का ट्यूटोरियल सेक्शन है, जो बुक वाला साइन है वो ट्यूटोरियल्स रहता है। यहाँ पे आपको कुछ कुछ बेसिक ट्यूटोरियल दिया हुआ है तो वो आप देख सकते हो, बाकी मैं तो हूँ ही आपको हेल्प करने के लिए। और आखिरी में जब आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए या फिर आपको एग्जिट करना हो तो ये आखिरी में रहता है एग्जिट बटन। इसमें तीन ऑप्शन पूछेगा, या तो सेव करके एग्जिट करो, या फिर डायरेक्टली एग्जिट करो, या फिर कैंसिल। अगर आप सेव एंड एग्जिट करते हैं तो आपका जितना भी वीडियो एडिट हुआ है वो ड्राफ्ट के फॉर्म में वीएन एडिटर के अंदर सेव होकर रह जाएगा। अगर आप एग्जिट डायरेक्टली करते हो तो आपका कोई भी चेंजेस सेव नहीं होगा और प्रोजेक्ट भी अपने आप डिलीट हो जाएगा।
तो ये था वीएन एडिटर का एक बेसिक ओवरलुक। आई होप कि आपको ये समझ में आया रहेगा। कोई भी डाउट रहता है आप मेरे को व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हो, वो ओपन है, ब्लॉक नहीं किया हुआ है मैसेज, लेकिन प्रमोशनल मैसेज शेयर मत करना। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, किसी और के साथ सीखना चाहते हो तो उसके साथ भी शेयर कर सकते हैं, और अगर चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे हम लोग अगले पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।